जय हिंद दोस्तों। अभी कुछ ही समय पहले की बात है कि बबीता जी तारक मेहता उल्टा चश्मा की, जिनका कि नाम मुनमुन दत्ता है, वो एक विवाद में फंस गई थी। दरअसल उन्होंने अपने एक व्लॉग में एक ऐसे शब्द का, जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कर लिया था जो कि लोगों को सही नहीं लगा था, और वो चीज़ कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है। ये चीज़ आपको और मुझे समझनी चाहिए, और ये चीज़ हम लोग जितनी जल्दी समझ लेंगे वो चीज़ हम सभी के लिए ठीक रहेगी। लेकिन देखिए क्या होता है, जब एक इंसान मानसिक रूप से परेशान रहता है या मानसिक रूप से बीमार रहता है, मैं कहूँगा वो ज़्यादा शब्द सही रहेगा, तब वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है। ठीक है, अब सबसे पहले आप ये युविका का ये वीडियो देखिए, जिससे कि आपको ये पूरा मामला क्या है वो समझ में आ सके। ये देखिए, हमेशा व्लॉग जब भी मैं बनाती हूँ, मैं क्यों हमेशा भंगियों की तरह खड़ी हो जाती हूँ आके, मुझे इतना टाइम मिलता ही नहीं है कि मैं अपने आप को ढंग से दिखा सकूं। आई एम डूइंग सो बैड एंड ही इज नॉट गिविंग मी टाइम टू मेक व्लॉग। अब यहाँ पर इन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया है वो ऐसा नहीं है कि आप जाने अनजाने में यूज़ करते हो, आपको उस शब्द का मतलब पता है, आप उस शब्द को पहले भी कई बार सुन चुके हो, इसीलिए आपने उस शब्द का इस्तेमाल किया। अब युविका चौधरी प्रिंस नरूला के साथ इस वीडियो में दिखी है, जिसमें कि प्रिंस अपने बाल कटाता हुआ दिख रहा है और ये मैडम जो है व्लॉग बना रही है। अब व्लॉग क्या होता है, व्लॉग मतलब ये कि अगर कोई सेलिब्रिटी है और उसके पास कोई काम वाम नहीं है तो वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी एक व्लॉग बनाकर व्लॉग के माध्यम से आपको दिखाता है। और लोग भी बड़े वाले पागल होते हैं जो कि सेलिब्रिटीज़ के इस तरह के व्लॉग देखते हैं, क्योंकि उनको अच्छा लगता है उन लोगों की ज़िंदगी में देखना कि क्या चल रहा है। इसीलिए तो बिग बॉस भी इतना फेमस है। और जब आप एक आम इंसान, मतलब जब आप एक सेलिब्रिटी की एक आम ज़िंदगी देखते हो तो उसमें आपको ऐसे शब्द दिखते हैं, तो ये तो वो मौका था जो कि कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, और जबकि कुछ दिनों पहले ही बबीता जी का भी ये रिकॉर्ड हुआ था, उसके बाद भी इस चीज़ का इस तरीके से सामने आना, ये दिखाता है कि इनके दिमाग में ही ये चीज़ व्याप्त है। तो हम लोग जो इस सोसाइटी में समझ रहे हैं कि हमको इस सोसाइटी से इस गंदगी को साफ़ करने की ज़रूरत है, लोगों की मतलब मेंटेलिटी को चेंज करने की ज़रूरत है, तो एक आम आदमी के ऊपर तो हम सवाल उठा देते हैं बड़ी आसानी से। लेकिन ये सेलिब्रिटीज़ जो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ तक सही है भाई। एक समय था जिस समय पर इस प्रकार के लोगों का, इस विशेष जाति का मैं कहूँगा कि इतना ज़्यादा शोषण किया गया कि उन लोगों को अब कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, इसीलिए सेलिब्रिटीज़ अब इन चीज़ों को एक टारगेट ऑडियंस बनाकर इस चीज़ को इस तरीके से पेश कर रहे हैं कि जैसे सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन जो शोषण झेल चुका वर्ग है, क्या वो इस चीज़ को इतना नॉर्मलाइज तरीके से लेने के लिए तैयार है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। तो इसीलिए अब युविका को लेकर अरेस्ट किए जाने की मांग उठ रही है। मुनमुन दत्ता का मामला भी शांत हुआ नहीं है, मामला भी चल रहा है उनका, और अब ये युविका का मामला सामने आ गया है। देखिए, इन लोगों को इस तरीके से सबक सिखाना इसीलिए ज़रूरी है जिससे कि ये इस बात की गंभीरता को समझ सकें कि आप जो बातें बोल रहे हो वो बातें दरअसल उतनी आसान या उतनी, मतलब मैं कहूँ, कैजुअल है नहीं जितना कैजुअली आप इन चीज़ों को ले रहे हैं। नहीं, किसी के लिए वो एक शोषण से जुड़ा हुआ शब्द है, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। और प्लस आप जिस सेंस में उस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो वो सेंस और भी ज़्यादा उंगलियाँ उठाता है। तो अब ट्विटर के ऊपर ये पूरा ट्रेंड चल रहा है और इसको लेकर कई लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं। तो अब हम लोग, अगर हुआ, अगर ठीक लगा तो हम इसके बाद में ट्विटर रिएक्शन भी बनाएंगे। लेकिन हाल फिलहाल के लिए युविका के लिए तो मुसीबतें बढ़ गई हैं, और बाकी सेलिब्रिटीज़ को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि भाई आपको इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इस मानसिकता को बदलना चाहिए। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।